यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भारत सरकार की कोशिशों के बीच देश में कई मुसलमान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इस बीच सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों पर गहरा प्रभाव है और यूसीसी को लागू करने के लिए भारत सरकार को मुस्लिम समुदाय की व्यापक सहमति जरूरी है। ऐसे में ईसा का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यूसीसी के तहत भारत सरकार पूरे देश के लिए एक कानून लाना चाहती है जो धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगी। इसके आलोचकों का कहना है कि यूसीसी भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की विविधता के लिए एक चुनौती है, क्योंकि यह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात करता है। उनका कहना है कि सरकार इसके जरिए व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों को बदलना चाहती है। मुसलमानों का तर्क है कि इस तरह का कदम देश के सांस्कृतिक ताने बाने को कमजोर कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचा सकता है। कई मुस्लिम विद्वानों ने इसका विरोध किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध करते हुए कहा कि देश के मुसलमान अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। किसी भी देश की राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा और सद्भाव तभी तक बरकरार रहती है जब हम उस देश के अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों को उनके पर्सनल लॉ को मानने की अनुमति देते हैं। वहीं ईसा भी 10 जुलाई को अपने 5 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से मिलेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिल सकते हैं। उनका दौरा ऐसे वक्त में है जब कई मुस्लिम संगठन यूसीसी के विरोध में। ईसा उदार इस्लाम के समर्थक माने जाते हैं, इसलिए उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सऊदी अरब के न्याय मंत्री रहते हुए उन्होंने महिला अधिकारों के लिए कई काम किए। उन्होंने पारिवारिक और मानवीय मामलों पर भी काम किया। पद पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न समुदायों, धर्मों और देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों के बीच बहुत प्रभाव है और ईसा भी विश्व के मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रिय है। यूसीसी पर बहस के बीच उदार इस्लाम के समर्थक ईसा का भारत आना और बड़े नेताओं से मिलना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा। अब्दुल करीम अल ईसा कट्टर इस्लाम के आलोचक रहे हैं। तुर्की सहित कई मुस्लिम देश आरोप लगाते हैं कि पश्चिम देश मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं और यहाँ इस्लामोफोबिया काफी बढ़ रहा है, लेकिन ईसा इससे बिल्कुल उलट राय रखते हैं। उनका कहना है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चिम देश इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के शिकार। उन्होंने साल 2018 में कहा था कि बहुत से मुसलमानों के बीच एक गलत धारणा है कि मुस्लिमों और इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा, लेकिन मेरे भाइयों, पश्चिमी देश धार्मिक देश नहीं है। उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता को चुना है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो आपको निशाना बना रहे। हालांकि देखना होगा कि उनके भारत आने से यूसीसी मुद्दे पर बात होती है या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।